नमस्कार और आप देख रहे हैं पटल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी राकेश गुप्ता ने कहा कि अधिकारी सीएम विंडो पोर्टल पर एवं उसके मीडिया गवर्नेंस पर कई आई हुई शिकायतों को गंभीरता से लेकर के उनका तुरंत निपटान करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इन शिकायतों पर पूरा ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश गुप्ता ने बुधवार को चंडीगढ़ में प्रदेश भर के नोडल अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विशेषकर भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी सीएम विंडो पर लंबित शिकायतों को प्राथमिकता दे। श्री गुप्ता ने विकास एवं पंचायत विभाग, कृषि, आबकारी एवं कराधान, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, मुख्य प्रशासक, मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों व नोडल ऑफिसर सहित 10 दिसंबर को रिपोर्ट सहित पेश होने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी बैठक 20 दिसंबर को आयोजित प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सीएम विंडो पर आई शिकायतों की सुनवाई करते हुए 2019 के दौरान अब तक 1,31,000 शिकायतें आई हैं। उनमें से 95,952 शिकायतों का निपटान हो चुका है। 8,000 से अधिक पर कार्य प्रगति पर है। विशेष पर तेजी से कार्रवाई करते हुए आगामी बैठक में पूर्ण निपटान सुनिश्चित करें। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की शिकायत की सुनवाई करते हुए नोडल अधिकारी को तुरंत प्रभाव से विजिलेंस को रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए। सहकारिता विभाग ने 1 करोड़ रुपए की रिकवरी के मामले में संजय शर्मा को सेक्शन 7 में चार्जशीट करने के निर्देश जारी किए। वहीं श्री गुप्ता ने पंचायत एवं विकास विभाग की शिकायत पर दोषी तत्कालीन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अरविंद मलिक के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने तथा ग्राम सचिव संजय को सेक्शन 7 में चार्जशीट करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पंचकुला में फायर ऑफिसर की पदोन्नति के मामले में संज्ञान लेते हुए उन्होंने अतिरिक्त निदेशक शहरी स्थानीय निकाय को जांच करने के निर्देश दिए हैं। नायब तहसीलदार फतेहाबाद की समस्या पर उन्होंने फतेहाबाद के उपायुक्त को तलब किया है। श्री गुप्ता ने कहा कि सीएम विंडो पर आई शिकायतों का बेहतर निपटान करने के नवीनीकरण एवं अक्षय ऊर्जा विभाग, रोजगार एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रशस्ति पत्र देने के निर्देश जारी किए। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट।